Morning friends, welcome to PD CLASSES. Today a very important topic for all those who are preparing for chemistry interview questions, and I hope this teaching session is very important for all of you. So madam, you want to make your career in NBS? Yes sir. Okay, and we have a candidate, Mr. Tolaram. He is also going for a same interview. Yes. Okay, and he belong to Bundi and madam belong to Alwar. Alwar. Bahut se chemistry ke questions hai, aap ready ho? Yes sir. Sabse pehle mujhe difference bataiye atom, element aur molecule mein. सर एटम वो होता है जो इंडिविजुअल पार्टिकल होता है उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते ऐसी थ्योरी पहले दी गई थी लेकिन अभी जो मॉडर्न टाइम में इसके सब जो डिविजिबल पार्टिकल्स हैं उनको डिराइव कर लिया गया है जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन राइट किसी भी मैटर के अंदर ये सबसे छोटा पार्ट होता है जिससे कि जो पूरा मैटर है वो मिलकर बनता है राइट एलिमेंट क्या होता है एलिमेंट वो होता है जो अर्थ के अंदर जो एटम है उसी का दूसरा रूप एलिमेंट है बट वो जो है अर्थ के अंदर अपनी प्राइमरी स्टेट्स के अंदर मिलता है उसी को हम एलिमेंट बोलते हैं कि वो अर्थ के अंदर अपनी एलिमेंट्री स्टेट के अंदर मिलता है इसके अलावा मॉलिक्यूल वो होता है जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स से मिलकर बनता है जैसे कि ऑक्सीजन O2 वाटर H2O कार्बन डाइऑक्साइड CO2 etc. वेरी गुड can you tell me the difference between organic and inorganic chemistry? Yes, sir. Organic chemistry का मतलब होता है कि जो हमारे living things होती हैं, living organisms होते हैं, उनके अंदर जो elements या जो molecules जो present होते हैं, उनकी study करना। Okay. और inorganic chemistry का मतलब होता है कि जो हमारे non-living things होते हैं और बाकी जो हमारी जो भी एक living thing को छोड़कर except living thing जो बाकी हमारा जो whole जो यूनिवर्स के अंदर जो भी चीजें होती हैं उनकी स्टडी करना इनऑर्गेनिक के अंदर आता है वेरी टेल मी द फॉर्मूला ऑफ एलम सर एलम इज पोटासियम सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट K2SO4 एंड NH4 की होल ट्वाइस एंड SO4 की होल थ्राइस 24H2O ओके गिव सम पॉइंट्स अबाउट पीरियोडिक टेबल प्लीज यस सर पीरियोडिक टेबल एक वो अरेंजमेंट है एटम्स का और वी कैन से एलिमेंट्स का जो एलिमेंट्री स्टेट के अंदर मिलते हैं right. हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा मैनेजमेंट है एलिमेंट्स का जिसको ह्यूमन बींग्स ने अपने फायदे के लिए अपने हेल्प के लिए बनाया है ताकि हम हर एक एलिमेंट को जो हमारे यूनिवर्स के अंदर मिलता है उसको हम इजीली स्टडी कर सकें ओके सो मैं तुलाराम को भी चांस दूंगा भाई सो प्लीज एनवीएस कैंडिडेट यू कैन हैव योर क्वेश्चंस मैडम भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी याद में मनाया जाता है सर भारत में जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो डॉक्टर सीवी रमन की याद में 28 फरवरी को मनाया जाता है उन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया था कि वो इतने फेमस हुए और उनको भौतिक शास्त्र का बहुत नोबल, बड़ा नोबल प्राइज मिला था क्योंकि सर जो सीवी रमन जो सर हैं उन्होंने जो है जो रेज हैं उनके बारे में बताया था बाकी सर पर्टिकुलर अभी मुझे ध्यान नहीं है सॉरी ओके व्हाट आर क्वांटम नंबर्स एक्सप्लेन इट्स टाइप्स सर क्वांटम नंबर्स का मतलब ये होता है कि जो हमारा मेनली जो क्वांटम नंबर्स है वो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी को और पोजीशन को किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ सिचुएट करता है उस चीज़ को एक्सप्लेन करता है जैसे कि जो मेनली जो है फोर क्वांटम नंबर्स होते हैं किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के जो चारों क्वांटम नंबर हैं वो सेम नहीं हो सकते क्योंकि एक जो जगह है पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की वो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की वही पोजीशन नहीं हो सकती चार जो क्वांटम नंबर्स हैं सबसे फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेकेंड है एजीमिथल क्वांटम नंबर थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर सर ये चारों की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं जो ये एक्सप्लेन करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें टाइप ऑफ सेल के बारे में बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ सिचुएट कर रहा है फर्स्ट सेल में है सेकेंड सेल में है उनको इन्होंने KLMN नाम दिया है उसके बाद जो एजीमिथल क्वांटम नंबर आता है वो जो है सेल के जो टाइप है सब सेल उसके बारे में हमें बताता है कि वो कौन सी सब सेल के अंदर है देर आर फोर टाइप्स ऑफ सब सेल्स एस सब सेल के अंदर है पी सब सेल के अंदर है डी सब सेल के अंदर है या एफ सब सेल के अंदर है उसके बाद जो एजीमिथल क्वांटम नंबर आता है वो हमें उस सब सेल के ऑर्बिटल को डिफाइन करता है कि जो क्वांटम नंबर है जैसे कि एस सब सेल है उसका एक ही ऑर्बिटल होता है पी सब सेल है उसके थ्री ऑर्बिटल्स होते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में सिचुएट करता है ये जो है हमें क्वांटम नंबर्स बताते हैं ओके कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन
यस सर। सर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और इसको जो है डिस्कवर किया था जे.जे. थॉमसन ने। उसने जब एटम की डिस्कवरी शुरू की थी तो उसी में उसको इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पता चला था। right. उसके बाद जो प्रोटॉन होता है उसने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए उस एटम को न्यूट्रल बनाने के लिए कुछ ऐसा भी प्रेजेंट है जो पॉजिटिव चार्ज को लिए हुए है, और वो जो उसने डिस्कवर किया उसको नाम दिया गया प्रोटॉन, जो कि टोटली अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन के। उसके अलावा जो मास के अंदर जो हर एक एटम का जो मास अलग अलग था, उसके अंदर उसने देखा कि जो मास है एटम का वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अलग है। इसका मतलब है एटम्स के अंदर जो कुछ ऐसी चीज भी प्रेजेंट है जो मास को बढ़ा रही है, और वो डिपेंड करता है न्यूट्रॉन के ऊपर। okay. और वही जो है डिफाइन करता है स्टेबिलिटी ऑफ एटम को। ओके, एंड व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? सर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि अमाउंट के ऊपर डिपेंड ना होके किसी भी जो सब्सटेंस है, जो सॉल्यूशन है, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज फोर टाइप की होती हैं, जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कि किसी भी जो जब अकेला सॉल्वेंट होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अलग होता है। जब हम उसको सॉल्यूशन के अंदर मिक्स कर देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ क्यों जाता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के अंदर? तो उसके बढ़ने के रीज़न क्योंकि उसकी बहुत सारी जो है जो उसके एप्लीकेशंस हैं वो निकाली गई कि उसका बहुत सारा यूज हुआ हमारे डेली लाइफ जो है उसके अंदर, इसलिए जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की हमें ज़रूरत पड़ी। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे जो ठंडे इलाके होते हैं उनके अंदर जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनका जो बैटरी होती है उसके अंदर जो वाटर होता है वो क्यों नहीं फ्रीज करता? okay. वहाँ फ्रीज कर सकता है, बट वहाँ हम ऐसे एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को यूज़ करते हैं जो कि वाटर के जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको डिप्रेस कर देता है, उसको डाउन कर देता है। okay. और उस टेम्परेचर से 0 डिग्री से नीचे जाने के बाद भी जो है वाटर फ्रीज नहीं करता। तो इनकी हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एप्लीकेशन। Tell us about the carbon and its compound and why carbon form number of compounds while others not? सर कार्बन जो है, कार्बन के अंदर एक स्पेशल जो प्रॉपर्टी है वो प्रेजेंट होती है कि इसके अंदर कैटिनेशन पावर होती है। okay. इसके अंदर ये एक जो एटम है वो ज्वाइन हो सकता है लाखों हजारों के साथ, और सिर्फ 118 जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर कार्बन के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि इसने अकेले कार्बन ने एक पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार की है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम हजारों लाखों जो मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं वो सिर्फ कार्बन के अंदर होते हैं, क्योंकि एक तो इसका स्मॉल साइज, दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ पी ऑर्बिटल, और तीसरा इसकी कैटिनेशन पावर। ये जो तीनों प्रॉपर्टीज हैं ये इसके अंदर बिल्कुल प्रॉपर हैं, और इसकी कैटिनेशन पावर और जो बॉन्डिंग प्रॉपर्टी है फोर एटम्स के साथ ज्वाइन होने की, ये नंबर ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स को बनाता है। व्हाट इज एक्वारेजिया? सर एक्वारेजिया इज द मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विच दीज बोथ आर प्रेजेंट इन 3:1। ओके, हाउ आर यू फीलिंग एट पीडी क्लासेस? सर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है आपको? मेंबर्स अच्छे हैं यहाँ के? यस सर। सीखने को मिल रहा है? आर यू कॉम्पिटिटिव इनफ? यस सर। और आपको यहाँ के बारे में मालूम कैसे चला था मैडम? सर मुझे यहाँ के बारे में यूट्यूब से मालूम चला, मैंने यूट्यूब की बहुत सारी वीडियोस देखी। ओके, तो मुझे मतलब लगा कि बहुत अच्छा है। ओके, अब आपको लग रहा है कि कॉन्फिडेंस आ जाएगा ये 7 दिन के अंदर आपको? ये सर आज मेरा पहला दिन है। ओके, बहुत ज्यादा। और अभी हमारे पास 6 दिन है, हम ब्रेकल कर देंगे। चलिए एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। सर जो अल्कोहल्स हैं उनको हम बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं, बट मैं यहाँ 2-3 जो टाइप्स हैं, जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है उनको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। सर अल्कोहल्स को फर्स्टली हम जो है अल्काइल हैलाइड से बना सकते हैं, जिसको हम अपनी ऑर्गेनिक की लैंग्वेज में आरएक्स बोलते हैं। जब हम आरएक्स के अंदर उसके सिर्फ एक जब हम कंपाउंड को उठाते हैं तो उसके जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है वो भी बहुत सारे होते हैं। जैसे आरएक्स है उसको हम जब अल्कोहल तक ले जाएंगे तो उसके अंदर हम एक्वस KOH भी ले सकते हैं। एक्वस KOH क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है इसके अंदर, जो क्लोरीन को हटा के जो OH ग्रुप है वो क्लोरीन की जगह ले लेता है, और हम अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। okay. इसके अलावा हम इसको एसिड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके अंदर डी कार्बोक्सीलेशन होता है, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेसेस होते हैं, उसके अंदर भी हमारे दोनों अलग अलग टाइप का होता है। अगर हमें एलिवेशन इन कार्बन एटम चाहिए, अगर हमें कार्बन एटम बढ़ाना है वो हम अपनी नीड के अनुसार करते हैं उसका। अगर हमें कार्बन एटम को बढ़ाना है तो हम जो है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस को फेवर करेंगे, और अगर हमें जितने कार्बन एटम प्रेजेंट है अगर उससे हमें एक कम कार्बन एटम चाहिए तो हम जो है वो डी कार्बोक्सीलेशन जो प्रोसेस है उसको प्रीफर करेंगे। ओके,
on which factor the element is periodic table situated and why we need such an arrangement of elements like periodic table? Sir, जो elements हैं periodic table के अंदर वो अपने atomic number, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एलिमेंट के अंदर कितने प्रेजेंट हैं, उसके बेस के ऊपर जो है हमने पीरियोडिक टेबल बनाई है. क्योंकि सर जब हमने उस अरेंजमेंट के अंदर उन एलिमेंट्स को रखा तो हमने ये पाया कि कुछ एक गैप के बाद जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट की वो फर्दर जो हैं रिपीट हो रही हैं बार बार. तो हमने इस स्टडी को बहुत ईजी बनाने के लिए, क्योंकि एलिमेंट्स तो हमारी नेचर के अंदर बहुत सारे हैं और अगर हम इंडिविजुअल एलिमेंट को स्टडी करें तो वो हर एक जो पर्सन है उसके लिए बहुत ही ड्रास्टिक हो जाएगा. तो उस जगह हमने ये किया कि हमारे पास कुछ ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए ताकि हम एक पूरी पीरियडिक टेबल को स्टडी भी कर लें और हमें ज़्यादा दिक्कत भी ना हो. क्योंकि हर एक एलिमेंट जो है वो प्रॉपर्टीज़ को बार बार दोहरा रहा है, तो हमने उसको एक ऐसे उसमें अरेंज कर दिया है ताकि हम उसको इजीली स्टडी कर सकें. चलिए सुनीता, व्हाट इज सॉल्यूशन और उनके टाइप्स बता सकते हैं? जी सर, बताइए. सॉल्यूशन का मतलब यही होता है सर कि जब हम किसी भी दो सॉलिड्स को, दो लिक्विड्स को और दो गैसेस को जब हम मिक्स करते हैं तो वो सॉल्यूशन बन जाता है. सॉल्यूशंस दो तरह के हो सकते हैं, जैसे कि होमोजीनियस सॉल्यूशन और हेटरोजीनियस सॉल्यूशन. होमोजीनियस सॉल्यूशन का मतलब सर ये होता है कि जैसे हमने किसी भी दो सॉलिड्स को या लिक्विड्स को मिक्स किया तो मिक्स करने के बाद हमें कोई भी वो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी शो ना करे. हेटरोजीनियस सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि जब हम दोनों को मिक्स कर देते हैं तो वो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी शो करें और मिक्स करने के बाद भी उनके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम उनको सेपरेट करना चाहें तो वी विल सेपरेट इट. ओके, कैन यू टेल मी व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग? यस सर, कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब होता है कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर यही चीज होती है कि कोई भी एलिमेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि उसे एग्जिस्ट करने के लिए, अपने स्टेबिलिटी के लिए एक ऑक्टेट रूल होता है. वो अपनी वैलेंस सेल के अंदर, जो लास्ट सेल है, उसके अंदर अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल करना चाहता है किसी भी कंडीशन के अंदर. और जब वो अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ एटम. तो वहाँ जब दो तरह से बॉन्ड को वो बना सकता है, एक फर्स्ट जो होता है वो अपना पूरे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे एलिमेंट को दे दे, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो अपने अगर पूरे इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. लेकिन दूसरा तरीका होता है कि उसके पास मान लिया 4 इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे कार्बन का हमारे पास था एग्जांपल, उसके अंदर वो 4 कोवलेंट बॉन्ड शो करता है, क्योंकि वो 4 को लूज़ नहीं कर सकता. इट्स वेरी हार्ड फॉर इट कि वो 4 को ना लूज़ कर सकता है, ना किसी दूसरे एटम से वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है. तो वो क्या करता है, किसी भी जो 4 एटम्स हैं उनके साथ शेयर कर लेता है और अपना जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट करके एक स्टेबल स्टेज के अंदर चला जाता है. ओके, व्हाई एटम नीड्स बॉन्डिंग? सर, एटम नीड्स बॉन्डिंग बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी. क्योंकि हर एक जो यूनिवर्स के अंदर कुछ भी चीज़ प्रेजेंट है वो स्टेबल रहना पसंद करती है. लेस एनर्जी, मोर स्टेबिलिटी. अब जब बॉन्ड बनाते हैं तो ऑलवेज जो एनर्जी है वो रिलीज होती है और उससे जो एटम की जो है स्टेबिलिटी वो इंक्रीज होती है. ओके, सो आई होप तोलाराम मैडम हैज अ गुड नॉलेज. ओके, और आप भी कम नहीं हो अपने सोशल स्टडीज वाले सब्जेक्ट में, राइट? सो आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल्सो एंड वी शुड गिव ब्लेसिंग्स टू मैम. ओके, सो मैम, बेस्ट ऑफ लक.